एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और जानवरों की हंसा देने वाली वीडियो में। हर बार की तरह हमारी यह वीडियो काफी बढ़िया है, तो इसे आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसी वीडियो रोजाना देखने को नहीं मिलती। हाँ? एक दुकान के बाहर दो बिल्लियां काफी देर से एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, जिस वजह से वहां पर मालिक को आना पड़ गया और फिर वो अपनी बिल्ली को खींच कर वहां से लेकर गया। मगर फिर भी ये बिल्ली शांत नहीं हो रही, जो अभी भी अपने भाषा में उसे गालियां देते जा रही है। बाबू ये चलिए ना, पकड़ मेरे को, मेरे को जानता नहीं है ये, पकड़ मेरे को साले, पकड़ ले मेरे को। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना ये कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती, लात पड़ेगी पिछवाड़े पे, समझ गया ना। अब ये डक काफी देर से इसे पिगी को परेशान कर रहा था, जिस वजह से पिगी के दोस्त यानी कि कुत्ते ने उसका बदला ले लिया। मैं मालिक, माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। टीम वर्क करने से कई काम आसान हो जाते हैं, और ऐसे कई जानवर भी हैं जो टीम वर्क करना जानते हैं, जैसे कि कोई चींटी। लेकिन अभी हम चींटियों की नहीं बल्कि इन कुत्तों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने झगड़े में टीम वर्क का गलत इस्तेमाल करते हुए एक अकेले कुत्ते के साथ दोनों एक साथ ही भिड़ गए। ये कुत्ता तो दूसरे कुत्ते के ऊपर चढ़कर सामने वाले पर भौंके जा रहा है, जो शायद यही कह रहा होगा, भाई तू डर मत, आज तो इसका सिस्टम ही फाड़ देंगे। तू इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मार दिखा मुझे, देख रहा है? अरे मार 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 मार। वापस क्यों हो गया? ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा। क्यों भाई, क्या हुआ? मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। अब हम आपको दिखाते हैं, जानवर जब सस्ते नशे करते हैं तब ये कैसी हरकतें करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखें। इस क्लिप में एक गोट डायरेक्ट राइनो से भिड़ गया, जबकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो राइनो मौजूद थे। पता नहीं भाई के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहाँ से, जिसने दोनों राइनो को एक साथ ही डरा दिया और दोनों को भी अपने पैर पीछे लेने के लिए मजबूर कर दिया। लगता है कि ये गोट जरूर कोई महंगा वाला नशा करके आया है, जिसे सामने कोई राइनो नहीं बल्कि दो छछुंदर नजर आ रहे हैं। एड़े साले मेरे साथ एड़ा दी का क्या है, जब तक मार रहा नहीं टेस्ट कर रहे क्या? साले कवारे सांडलो। प्रेशर आ गया, हाय प्रेशर आ गया, दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी यार। ये तो भी ठंडा है। ए! मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। इस दुकान में अचानक से जंगली सुअर घुस गया, जो पता नहीं यहाँ पर आया कहाँ से। लेकिन भाई ने दुकान में आकर खाली फोकट बेचारे दुकानदार का खर्चा बढ़ा दिया। बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला गया था, लेकिन फिर भी ये दरवाजा तोड़कर यहाँ से बाहर निकला और भाग भी गया, जो शायद खुद को बहुत बड़ा CID इंस्पेक्टर दया समझता है, जो लोगों के दरवाजे तोड़ने पर तुला हुआ है। मैं क्या होता हूँ? आया आया आया। आजा आजा बेटा, आजा आजा। क्या माइलम मजाक करता है? दो मीटर तक भी नहीं आने देगा तेरे को। रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। A few moments later. क्या हुआ? मगरमच्छ को बाकी जानवरों पर हमला करते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने दो मगरमच्छों के बीच लड़ाई होते हुए देखी है? नहीं ना। तो चलिए ये खतरनाक नजारा हम आपको दिखाते हैं। इस क्लिप में दो मगरमच्छ एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जो लड़ते लड़ते पानी में चले गए और एक ने तो दूसरे की गर्दन ही पकड़ ली, जो कह रहा होगा साले मेरा शिकार चुराता है, रुक तुझे मैं बताता हूँ। ले तू मारेगा मुझे, आ मार के दिखा, मार मार के दिखा तू मुझे, मार के दिखा तू मुझे, मार। रुक तेरे को बता दे।
अब जरा बेचारे इस पिगी को देखिए, जो मस्ती मस्ती में और अब इसे फिर से अंदर जाना है, पर ये ऐसा नहीं कर पा रहा। जिसने बाहर आकर कुछ ज्यादा ही खा लिया और अब भाई का पेट पोटला बन चुका है। जैसे ही ये अंदर जाने के लिए कूदता है, तब यहाँ पे ये अटक जाता है। अरे कोई है, अरे भगवान से डरो, जिन्ने आदमी को यहाँ बंद कर दिया। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुल्म है। जानवर आजकल बड़े एडवांस हो गए हैं, जिनमें आपको लग रहा होगा कि अब हम सिर्फ कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम इस बंदर की बात कर रहे हैं जो इस चिड़ियाघर में लगे हुए इस बोर्ड को हटाने का काम कर रहा है। मगर ये ऐसा कर क्यों रहा है? वो इसलिए क्योंकि इस बोर्ड पर लिखा है कि बंदरों को खाना देना सख्त मना है, और इसी वजह से यहाँ पे आए हुए लोग इस बंदरों को खाना नहीं दे रहे। जिस कारण भाई ने सोचा कि क्यों ना इस बोर्ड को हटाया जाए, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। निकल जा, निकल, निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है, निकल। ये कोई अभी ये ले, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई, तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।